ये हमारा डे फोर है। फर्स्ट डे को हम लोग ले स्टे किए थे, सेकेंड डे को हम लोग हुंदर गए थे, थर्ड डे को जैसा कि आपको बताया था हम लोग तुरतुक गए थे, और तुरतुक से वापस आके हम लोग हुंदर में नाइट स्टे किए थे। अब हुंदर से हम लोग फोर्थ डे को अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे सयोक और दुर्बुक के रास्ते होते हुए पैंगोन लेक के लिए जा रहे हैं। तो बीच में यहाँ पे हम लोग रुके, यहाँ पे जब तक है जान की शूटिंग हुई है तो मैं आपको व्यू पीछे दिखा दूंगा। तो यहाँ से कुछ घंटों में हम लोग पहुँच जाएंगे पैंगोन लेक। तो अभी तक था कि अभी सयोक और दुर्बुक का जो रोड था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हमको 9 बजे के पहले वहाँ से क्रॉस करना था। स्लॉट्स में गाड़ियाँ जा रही है तो 9 बजे के पहले निकल जाओ, या फिर 4-5 बजे के पहले बात छोड़ रहे थे, तो ऐसा था हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले थे कि वो स्लॉट में हम लोग 9 बजे के वाले स्लॉट में हम लोग निकल जाए। तो अभी हमारे पास टाइम बहुत है, हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, जब तक है जान के शूटिंग पॉइंट पे। यहाँ पे आपको मैं व्यू दिखा दूंगा और फिर हम लोग पैंगोन लेक पहुँचेंगे 1-2 घंटे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ये रहा पैंगोन लेक का फर्स्ट व्यू, ये दिखा पैंगोन लेक वहाँ उधर, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पैंगोन लेक है। फर्स्ट व्यू पैंगोन लेक का यहीं से मिल जाता है। तू बिल्कुल नहीं बदली मेरी जान, तू ऐसा ही है। अगर आप पैंगोन आ रहे हो, अगर आपको स्टे करना है, तो मतलब अगर आपकी अपनी व्हीकल है तो आप क्या करो कि आप लेक साइड वहाँ पे कैंपिंग मत करो, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस थोड़े हाई होते हैं, फूड का भी चार्जेस थोड़ा हाई होता है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग वहाँ पे पैंगोन में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग मेरक करके गाँव है यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ का जो व्यू है, ये पैंगोन लेक के किनारे ही बसा हुआ है, तो यहाँ का जो व्यू है बहुत ही प्यारा व्यू है। मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ यहाँ होम स्टे की। यहाँ पे काफ़ी सारे, वहाँ भी देखो आप, काफ़ी सारे होम स्टे हैं, हम लोग किसी होम स्टे में रुके हुए हैं। तो यहाँ चार्जेस थोड़े कम होते हैं, 800 से 1000 पर पर्सन लेंगे, उसमें डिनर और ब्रेकफास्ट जो होता है वो इंक्लूडेड होता है। तो अगर आपकी अपनी व्हीकल है तो आप आ जाओ, अगर आप बस से आ रहे हो तो आपको वहीं पैंगोन के आसपास ही रुकना पड़ेगा, लेकिन आपकी अगर अपनी व्हीकल है तो आप आ सकते हो। ये देखो कितनी खूबसूरत गाँव है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पर।